बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह कमर कस ली है और सड़कों पर उतर गई है। आज बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार, एसडीएम संजीव चौधरी सहित वरीय पदाधिकारियों ने ट्रैफिक चौक पर वाहनों की सघन जांच की एवं इस क्रम में बिना मास्क के पाए जाने वाले सवारी एवं वाहन चालकों को आर्थिक रूप से दंडित भी किया गया। साथ ही साथ पदाधिकारियों ने ट्रैफिक चौक से लेकर कचहरी चौक तक दुकान में भी सघन जांच की एवं इस क्रम में भी कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना कर रहे लोगों को आर्थिक रूप से दंडित किया गया तथा आगे से उन्हें मास्क लगाकर ही दुकानदारी करने का निर्देश दिया गया है। पदाधिकारियों ने बताया कि अब यह मुहिम लगातार चलती रहेगी क्योंकि हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण जोरों पर है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रवि शंकर गन की रिपोर्ट। विजय भाई जाओ ना, साथ में जाओ ना, साथ में जाइए। दूरी बनाए थे अब देखिए कि पिछले लगभग 10 दिन से अप्रत्याशित रूप से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बेगूसराय जिला में भी बढ़े हैं। अभी टोटल 82 एक्टिव केसेस कल तक थे और इसमें से 50% ज़्यादा केसेस नगर निगम एरिया में ही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग जो बीच में थोड़े से लापरवाह हो गए थे जब केसेस कम हुए थे, और ये जो अभी नया दोबारा है और ज़्यादा खतरनाक है। ये इसमें ज़्यादा कंटेजियस है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ज़्यादा खतरनाक भी है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोग जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। लोगों से दूर रहेंगे तो संक्रमण नहीं फैल पाएगा, और साथ ही साथ अगर घर पर रहें समय समय पर हाथ धोते रहें, बाहर रहें निकल रहे हैं तो सैनिटाइजर अपने पास रखें ताकि ज़रूरत पड़े तो हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें लोग। ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा खतरनाक भी है, तो इसीलिए मैं लोगों से अपील करूँगा, और ये इसलिए अभियान भी चल रहा है लोगों से अपील करने के लिए। लोग सारी सावधानी बरतें ताकि हम लोग जिस तरह पहले चरण में इसको कंट्रोल कर लिए थे उसी तरह हम लोग पुनः इसको कंट्रोल कर लें। अभी सभी पिछले 10 दिनों से लगभग सभी अनुमंडल में जो नगर निकाय हैं और जो मार्केट एरिया हैं उसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी नगर निकायों में और सभी मार्केट एरिया में माइकिंग भी प्रारंभ कर दी गई है लोगों से अपील करने के लिए, और कोई दुकानदार, कोई वाहन, कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पाया जाएगा तो नियमानुसार उसको दंड भी दिया जाएगा। 50 रुपये का फाइन लगाया जा रहा है। दुकानदारों पर अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो हम लोग 2 या 3 दिन के लिए उसको बंद भी करवाते हैं। अपील लोगों से यही है कि इन 3 नियमों के अतिरिक्त जो लोग एलिजिबल हैं टीकाकरण के लिए वो लोग भी सामने आए, अपना अपना टीका करवाएं ताकि इस संक्रमण चेन को जल्द से जल्द हम लोग काबू पा सकें। देखिए आज हम लोग जो निकले हैं तो देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोगों ने मास्क पहन रखा है, ये खुशी की बात है, लेकिन हाँ थोड़ी ढिलाई लोगों ने की थी। ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के ही बचाव के लिए कर रहे हैं और उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। साधारण से उपाय हैं, लोग अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए 1000 रुपये खर्च करते हैं, बैक कवर, स्क्रीन कवर, बहुत सारे उपाय करते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए एक छोटे से उपाय कर लें, मास्क पहन लें, टीका लगवा लें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, नहीं है लेकिन इससे जीवन बच सकता है किसी का, तो ये अनुपालन लोगों को करना आवश्यक है। देखिए अभी जो नियम है 50 रुपये का चालान किया जाता है लोगों को, तो उसी के अनुरूप अभी कार्रवाई।